डूंगरगढ़ सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत कन्याशाला में 130 साइकिल का किया गया वितरण। डूंगरगढ़ 1 फरवरी दिन शुक्रवार को सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 130 साइकिल का शाला की छात्राओं को वितरण किया गया। साइकिल वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डूंगरगढ़ नगर पालिका के उप अध्यक्ष शिव निषाद एवं पालिका के CMO आशीष तिवारी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष ज्योति बरवाए एवं डूंगरगढ़ शहर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष सूरज साहू एवं शाला के शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थित में छात्राओं को तिलक लगाकर साइकिल की चाबी सौंपकर सम्मान पूर्वक रवाना किया गया। वितरण के कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में छात्राओं को साइकिल का सदुपयोग करने की सलाह दी, जिससे वे समय से स्कूल आना जाना कर सके। वही कार्यक्रम के अध्यक्ष शिव निषाद ने अपने उद्बोधन में छात्राओं को बताया कि यह सरकार की सरस्वती योजना के अंतर्गत साइकिल का वितरण किया जा रहा है। अगर कोई बालक साइकिल लेने में छूट गई हो, वो अपना नाम लिखवा कर साइकिल प्राप्त कर सकती हैं। छात्राओं को साइकिल मिलने से उनके मन में उत्साह देखने को मिला। वितरण के कार्यक्रम में शाला की प्राचार्य ममता गुप्ता, GN सिरदार, RK कन्नौजे, के भाटिया अहिल्या उजवाने उपस्थित थे। अपने गांव देहात से यहां पढ़ने आते हैं तो सामने बहुत कठिनाई पड़ती है और स्कूल आने में हमेशा लेट हो जाते हैं। इसलिए शासन की योजना है कि एक एक बच्चे को साइकिल दिया जाए और उसका फायदा बिल्कुल बच्चों को मिलना चाहिए। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, अगर कोई बच्चा छूट जाता है तो मैडम को आगे बताए, इसको साइकिल नहीं मिला। CNI न्यूज डोंगरगढ़ से जिला ब्यूरो महेंद्र शर्मा बंटी की रिपोर्ट। केशकाल राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की बैठक संपन्न। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जिला कोंडागांव जिला कार्य समिति की बैठक आज केशकाल के संपन्न हुई। बैठक मुख्य रूप से संभागीय समन्वयक महेंद्र नेताम के उपस्थिति में संपन्न हुई। जिला समन्वयक खिलेश्वर सोरी ने संगठन के कार्यक्रम की रूपरेखा व गति विधियों से जिला कार्य समिति के नए सदस्यों को अवगत कराकर जोड़ने का निर्णय लिया एवं सभी सदस्यों को महीने में कम से कम 4 से 5 गांवों की अनिवार्य रूप से यात्रा करने का निर्देश दिया। साथ ही लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों को लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिम्मेदारी दी गई। साथ ही संगठनात्मक कार्यक्रम संविधान के रास्ते प्रोग्राम की तिथि 15-16 फरवरी में तय हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से रूपेंद्र कौर राम, लोकेश नेताम, ध्रुव युगल वेदव्यास, तबरेज अली, हीरा सिंह नेताम, मुकेश नेताम, सतीश नाग सहित अनेक युवा साथी भी शामिल हुए। अंत में वरिष्ठ सदस्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। CNI न्यूज केशकाल से गिरीश जोशी की रिपोर्ट। रायपुर प्रार्थी सरजुराम पिता पुनवराम उम्र 64 वर्ष निवासी मोहागांव सिलियारी ने आज थाना कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अपने बेटे के साथ बागरेचा नर्सिंग होम इलाज कराने आया था, तभी होंडा साइन CG04 के W2920 का चालक 1700 रुपये लुटकर फरार हो गया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर लुटका अपराध कायम कर पुलिस अधीक्षक के द्वारा तत्काल नाकाबंदी कर पॉइंट देने के निर्देश दिए। पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर आरोपी राजेंद्र महिलांग निवासी मोवा को माल सहित गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर लेकर जेल भेज दिया गया। आरोपी राजेंद्र महिलांग के विरुद्ध पहले भी गोलाबाजार थाना, गंज थाना और टिकरापारा थाना में वर्ष 2012 व 2013 में चोरी लूट के प्रकरण में आरोपी जेल जा चुका है। CNI न्यूज रायपुर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बिलाईगढ़ आदतन चोरों की पूरी चौकड़ी हिरासत में। चोरी के पैसे से खरीदी गई बाइक समेत लाखों का सामान बरामद, सभी जेल दाखिल। छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आदतन 7 चोरों को एक बाइक सहित मोबाइल, TV, कूलर सहित नकद रुपए एवं अन्य सामानों के साथ पकड़ा गया। यह आदतन चोरों का भांडाफोड़ तब हुआ जब पिछले वर्ष नवंबर 2018 में ग्राम बासुरकुली के एक स्कूल में हुए 1,80,000 रुपये की चोरी का जांच कर पुलिस ने एक आरोपी को 10 दिन पहले जेल भेजा थे। बिलाईगढ़ थाना प्रभारी महेश ध्रुव सूझबूझ से आरोपी से कड़ी पूछताछ में पता चला था कि स्कूल चोरी को अंजाम देने में मुख्य आरोपी शांतनु भास्कर का मुख्य हाथ था, जिसके बाद से बिलाईगढ़ पुलिस ने चोरी का अंजाम देने वाले लोगों की पताशाजी में जुट गए थे, जिसमें पुलिस को मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम टाडापारा में सभी आरोपी लोग एक साथ हैं। तभी घेराबंदी कर बिलाईगढ़ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपी को धर दबोचा। पकड़े गए सभी आरोपी से कड़ी पूछताछ में पता चला कि ग्राम बासुरकुली स्कूल में हुए 1,80,000 रुपये को आपस में बराबर बराबर बांट लिए थे। बचे पैसों से एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल खरीद लिया था, जिसे पुलिस ने सामान बरामद कर लिए हैं।
आरोपियों ने बताया कि बासुरकुली टाडापारा धाराशिव से अलग अलग सामानों को चोरी को अंजाम दिए थे, जिसमें बिलाईगढ़ पुलिस ने एक कूलर, दो डीवीडी, एक बॉक्स, एक बर्तन, 10 मोबाइल, एक बैटरी, एक टुल्लू पंप सहित 3,500 रुपए नकद बरामद किए हैं। इन सभी आरोपियों का नाम शांतनु भास्कर 23 वर्ष, लक्ष्मी सागर खूंटे 19 वर्ष, रोहित बंजारे 18 वर्ष, संजय भास्कर 21 वर्ष, कमल सिदार 31 वर्ष, सूदन भास्कर 29 वर्ष, लखन मार्कंडेय 30 वर्ष बिलाईगढ़ टाडापारा निवासी है। बिलाईगढ़ पुलिस ने सभी आरोपी के खिलाफ धारा 457, 380, 411, 41/4 तहत कार्यवाही किया गया है। नवम्बर 2018 में एक चोरी हुआ था बाउसरपुरी में, जिसमें 1,80,000 की चोरी हुई थी। तो उसमें पुलिस के द्वारा अपराध पंजीकृत कर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। तो इसी में एक चोर को हम लोग कुछ 10 दिन पहले जो है चोरी के अपराध में भेजे थे, जेल भेजे थे। उसी में लगातार इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक जो उनका जो मेन लीडर था संतानु, वो अपने छः साथियों के साथ में मिलकर उस जगह में चोरी किया था। तो पुलिस मुखबिर से सूचना मिली थी कि अपने घर के पास में आया, अपने घर आया हुआ है। उसको जब पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया, पकड़ने के बाद में पुलिस पूछताछ की तो बताया कि वहाँ पर उसने 1,80,000 की चोरी किया था और पैसे को आपस में लोग बांट लिए थे। बांटने के बाद जो पैसा था उसी पैसे से इन्होंने मोटरसाइकिल और दो मोबाइल खरीदा हुआ था। और उसे आगे जब पूछताछ किया तो बताया कि बाउसरपुरी में ही वो अलग अलग घरों में मोबाइल चोरी किया हुआ था, जिसका हमारे यहाँ अपराध पंजीकृत हुआ था। उसमें भी अपने को मोबाइल रिकवर हो गया। और उसके अलावा उसके उस जहाँ का वो रहने वाला है टाटापारा का, उसके आसपास भी वो कई चोरी किया है, जिसमें मोबाइल मोबाइल हो गया, कूलर हो गया, बैटरी हो गया। उसके अलावा वो धारा सिंह में भी एक चोरी किया था, जिसमें टीवी और एक पीतल का अंडा था, वो भी रिकवर हो गया। तो ऐसे मिला के एक मोटरसाइकिल अपने को बरामद हुआ है, टीवी, एक टीवी बरामद हुआ है, एक रिसीवर बरामद हुआ है, दो डीवीडी बरामद हुआ है, एक बॉक्स है, 10 लाख मोबाइल है, पीतल का घंटा एक है, पानी मोटर एक है, बैटरी एक है और कूलर एक है, और लगभग 3,800 रुपये अपने को अभी तक जब्त किए हैं। सर कितने आरोपी गिरफ्तार हैं? आरोपी टोटल 7 आरोपी हैं। क्या नाम आरोपी का? नाम आरोपी का नाम है एक संतानु भास्कर है। संतानु भास्कर जो अपने दो भाइयों के साथ, दो भाई हैं इनके, सुदन भास्कर है, संजय भास्कर, एक लक्ष्मी सागर है, रोहित बंजारे हैं, भकर्रा सिदार है और लखन। किन किन धाराओं की कार्रवाई की जा रही है? ये 457, 380, 411 और 41-4 में कार्रवाई की गई है। क्या ये अपराधी जो है आदतन है या पहले भी किसी प्रकार के कुछ मामले भी हुए? केस तो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से अपने को सामान बरामद हुआ है उसके हिसाब से कभी पकड़े नहीं गए, मतलब ये है कि आदतन रहे हैं ये। थैंक यू। CNI न्यूज बिलाईगढ़ से प्रदीप देवांगन की रिपोर्ट। रायपुर सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का ऐलान करते हुए 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट का प्रस्ताव रखा, जिसकी सीमा अब तक 2.5 लाख रुपए थी। इससे 3 करोड़ मध्यम वर्ग के परिवारों को फायदा मिलेगा। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की बात कही। वहीं सरकार ने बैंकों में FD के ब्याज पर 40,000 तक कोई टैक्स नहीं लगने की घोषणा की, जिसकी सीमा अब तक 10,000 रुपए थी। वित्त मंत्री ने छोटे सीमांत किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2 हेक्टेयर वाले किसानों के खाते में सालाना सीधे 6,000 रुपए जाएंगे। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी। सरकार की इस योजना से करीब 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। गायों के लिए सरकार कामधेनु योजना शुरू करेगी। मछली पालन के लिए भी आयोग बनेगा। पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए लिए जाने वाले कर्ज में 2% की छूट दी जाएगी। सरकार ने कामकाजी लोगों के लिए अहम घोषणा करते हुए कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशें जल्द लागू की जाएंगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना आसान बनाई जाएगी। सरकार ने 21,000 मासिक से कम वेतन पर काम करने वाले कामगारों को 7,000 रुपये का बोनस देने की बात कही है। साथ ही ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख किए जाने का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसका लाभ 15,000 कमाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा।
कामगार की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में 6 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। सरकार ने अहम घोषणा करते हुए कहा कि जिनका ईपीएफ कटता है उन्हें 6 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अहम घोषणा करते हुए कहा कि सरकार 6 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना का तहत एलपीजी कनेक्शन दे चुकी है। इस योजना के तहत महिलाओं को 8 करोड़ और एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश भर में लोगों को उम्दा स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए दिल्ली के एम्स की तर्ज पर एम्स बनाए जा रहे हैं। इसी के तहत हरियाणा में देश का 22वां एम्स शोर होने जा रहा है। इससे पहले वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि उनकी सरकार ने कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ दी। उन्होंने महंगाई को गरीबी पर टैक्स की तरह बताया। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने एक बार फिर 2022 तक सभी लोगों को घर देने की बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 तक देश में लगभग 2.5 करोड़ परिवार बिना बिजली के थे, पर सौभाग्य योजना से सरकार ने कई घरों में बिजली का मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध कराया। मार्च 2019 तक सभी घरों को बिजली मिल जाएगी। CNI न्यूज रायपुर से आकाश जैन की रिपोर्ट। हम हैं आपका विश्वास, हम हैं आपकी आवाज, हम जरिया हैं आपकी भावनाओं का, हम हैं आपका भरोसा। खबर से लेकर असर तक हम दिखाते हैं बुरी खबर। हमें CNI न्यूज़।